नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के मॉब लिंचिंग, मुसलमानों पर दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मामले में टिप्पणी की है। मॉब लिंचिंग का मसला एक बार फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक कार्यक्रम में मॉब लिंचिंग मुसलमानों के मसले पर एक बयान दिया, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई। मोहन भागवत के बयान पर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से टिप्पणी की जा रही है। मॉब लिंचिंग का मसला पिछले कुछ वर्षों में बहस का विषय बना है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिन इस मसले पर एक कार्यक्रम में खुलकर बात की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मसले पर टिप्पणी की। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। बसपा प्रमुख मायावती ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी चल रही हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर चल रही हैं। मायावती ने आगे कहा, मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरने वाले। आरएसएस बीजेपी एंड कंपनी की कथनी करनी में काफी अंतर है। मोहन भागवत देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं वो सही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी की सरकारों की वजह से जातिवाद, राजनीति, द्वेष और सांप्रदायिक हिंसा लोगों को परेशान किए हुए है। मोहन भागवत का दिया गया ताज़ा बयान लोगों को अविश्वसनीय लगता है। ये बयान मुंह में राम बगल में छुरी वाला लगता है। मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। यूपी में आज अफरा तफरी का माहौल है। बसपा हमेशा ही आरएसएस की नीतियों का विरोध करती रही है। आरएसएस के बिना बीजेपी का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी बातों को भाजपा की सरकारों से ही क्यों लागू नहीं करवा पा रही है। मोहन भागवत के इन्हीं बयानों पर बीते दिन से ही सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। असदुद्दीन अवैसी, दिग्विजय सिंह समेत कई राजनेताओं ने मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अहम बयान दिया। देश में रहने वाले सभी का डीएनए एक ही है, कोई अलग नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं रहें, वो सच्चे हिंदू नहीं हैं। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानून को अपना काम करना चाहिए। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 सालों से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। भारत के लोगों का डीएनए एक जैसा है। हिंदू और मुसलमान दो समूह नहीं है। एकजुट होने के लिए कुछ भी नहीं है, वे पहले से ही एक साथ हैं। मोहन भागवत के इन्हीं बयानों पर बीते दिन से ही सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। संघ प्रमुख के दिए बयानों पर लगातार घमासान मचा हुआ है। विपक्ष की ओर से संघ प्रमुख को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि संघ प्रमुख के बयान में कुछ गलत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। दो साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी